अयोध्या विवाद पर कभी भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ सकता है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। कश्मीर से धारा 370 हटने की तरह अयोध्या में भी सुरक्षा बढ़ाई जाने लगी। अयोध्या के डीएम अनुज कुमार झा ने भड़काऊ सोशल मीडिया मैसेज और पोस्टर पर रोक लगाने की बात कही है। कोई भी अयोध्या विवाद, राम मंदिर या बाबरी मस्जिद से जुड़ा मैसेज ना तो सोशल मीडिया पर शेयर कर पाएगा और ना ही कोई पोस्टर लगा पाएगा। डीएम का कहना है कि सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए ये रोक लगाई गई है। 10 अक्टूबर का एक जो है धारा 144 का हमने ऑर्डर जारी किया है, जिसके क्लॉज 10 में हमने बहुत क्लियरली कहा है और उसको मैं यहाँ पर कोट भी कर देता हूँ, कोई भी व्यक्ति, संगठन, समूह, संप्रदाय, दल, सोशल मीडिया साइट जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर, इंस्टाग्राम, हाइक, टेलीग्राम, ट्विटर आदि या अन्य किसी माध्यम से किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक, भ्रामक, असत्य, दिग्भ्रमित व जनसामान्य को भड़काने वाली किसी भी प्रकार का कोई लेखन, वॉल पेंटिंग नहीं करें और नहीं कराएं। कोई अफवाह फैलाने वाला मैसेज, फोटो, लाइक, शेयर नहीं करेगा और नहीं फैलाएगा, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द और सामाजिक बिगड़ने की स्थिति उत्पन्न है। तो इसमें हमने बहुत क्लियर कट ये कहा है कि कोई भी ऐसा पोस्ट नहीं करना है जिससे कि गलत सूचना दे करके कुछ किसी को इंसल्ट किया जाए या कोई भावना जो है भड़काया जाए, इंसाइट किया जाए, इससे बचना है। अयोध्या में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती होने लगी है और पुलिस हालात से निपटने के लिए तैयारियों में जुट गई है। सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं और यहाँ की संवेदनशीलता को देखते हुए यहाँ पर हर जगह पर जितने भी जो है नाका हैं और जितने भी पिकेट पॉइंट्स हैं, सब जगह पर जो है चेकिंग की जाती है और सतर्क दृष्टि की जाती है। अयोध्या ही नहीं, यूपी के कई संवेदनशील जिलों में पुलिस और प्रशासन सुरक्षा तैयारियों में जुट गया है। लखनऊ में पुलिस ने मीटिंग करके लोगों से सौहार्द बनाए रखने की अपील की। हापुड़ में अयोध्या के फैसले को लेकर एसपी ऑफिस में मीटिंग की गई, जिसमें पुलिस और प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी शामिल हुए। गाजियाबाद में भी प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थानीय लोगों के साथ मीटिंग की। मुजफ्फरनगर में भी अधिकारियों ने मीटिंग की। अलीगढ़ में डीएम ने पुलिस और हिंदू मुस्लिम पक्ष के लोगों के साथ मीटिंग की और आने वाले फैसले को लेकर शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या पर फैसला सुरक्षित रखा है और कहा जा रहा है कि 17 नवंबर से पहले सुप्रीम कोर्ट कभी भी अपना फैसला सुना सकता है। ऐसे में यूपी में पहले ही सरकार और स्थानीय प्रशासन ने कमर कस ली ताकि फैसले के वक्त कोई बवाल ना हो।